मेरी तो कमर टूट गई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है करवा चौथ। मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई थी और दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई थी, बिकॉज इसी हाथ से इसमें लगाना था और बाकियों को भी लगाना था। तो मैं सोच रही हूँ अभी लगा लूँ नहाने से पहले एक बार। तो मैं इस हाथ में मेहंदी लगाना इतना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड से लगा रही हूँ मैं। बट फिर भी आई नो दैट वेरी वेल, मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये भी कर लूँगी। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा मैंने ज़िंदगी में, सारे काम कर लिए, तो ये क्यों छोड़ूंगी, ये भी हो जाएगा। तो चलो मेहंदी लगाती हूँ। मैं ये तो बताना ही भूल गई आप लोगों को कि मेरा जो है पास्ट है। प्यारी लग रही है ना? मैं हर काम ही प्यारा करती हूँ वैसे तो, मुझे पूरा भरोसा है। इस हाथ से तो मुझसे कॉपी पकड़ी भी नहीं जा रही, कौन ही नहीं पकड़ा जा रहा बिल्कुल। नहीं पकड़ा जा रहा कौन, तो इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही हूँ, पकड़ा जाता तो पता नहीं क्या करती मैं। यार ये मेहंदी मैं यूं लगाती हूँ तो यूं सरक क्यों जाती है? अभी यूं कैसे दिखाऊंगी मैं किसी को? तो गाइज मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है, बट इसको क्या फिनिशिंग देनी पड़ती है, फिनिशिंग नहीं दी तो उबर उबर लगती है। बना लिया मैंने, इसको फिनिशिंग दूंगी ना तब आप इसका लुक देंगे। बैठे बैठे मेरी तो कमर टूट गई यार। कंप्लीट हो गई है और ये मैंने अभी ऐसे रखा है, बाद में लगाऊंगी ये सूख जाएगी, तो बिकॉज ऐसे हाथ खाली नहीं छोड़ते तो मैंने टीम की लगा ली। मतलब इस ये बहुत बहुत शुभ होता है ये चांद बनाना हाथों पर, मेरी तारीफ कर उसने।
करना मेरी तारीफ कर। मैं क्या करूँ तेरी तारीफ। अब मैं बता कैसी मौसी हो। अच्छी है गाइस। ये मेरा भांजा है, सबसे बड़ा भांजा, मतलब चुलबुल है उससे बड़ा है, फिर उसके बाद में चुलबुल से भी एक छोटा है, लेकिन ये ना बहुत कमीना है, बोलते ना बहुत बहुत, देखो चोटी बना रहा है अभी से ही, पता नहीं क्या क्या बांधना चालू कर दिया, तो हीरो बनने के सारे लक्षण मिल जाएंगे इसमें। और मौसी ये इतनी छोटी है और ये इतना लंबा है ना, अभी खड़ा होगा ना तो इतना लंबा हो जाएगा जिसको कोई हद नहीं है, तो इसलिए मैं इनसे दूर दूर रहती हूँ। आज मैं मेहंदी लगाई थी तो इसको वीडियो बनाने, तो बोला मुझसे मेरी वीडियो बना दे, तो मैंने कहा चल पहले तो मेरी मेहंदी दिखा गए इसको, उसके बाद तेरी वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना और कमेंट करके बताना कि मेरी ये लेफ्ट हैंड से बनाई हुई राइट हैंड में मेहंदी आपको कैसी लगी। ओके बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो लोग नए हैं उन्हें बहुत ठुकाई करूंगी मैं।